ना वो आपको वैल्यू देता है और ना ही आपको जाने देता है। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। अगर आप नए हैं तो एक लाइक बनता है, आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने पे काफ़ी मजबूर करता है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, आपका पार्टनर ना ही आपकी कदर करता है, आप थक चुके हो एक एक साल दो दो साल उसके बिना रहना। आप दोनों के बीच में इतनी फाइट हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो। आपकी कदर नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि प्यार में रिस्पेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता टिका रहता है। और ये रिश्ता आप लोगों की एक ना स्ट्रांग पावर कहलाता है, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप लोगों का जाता है। अगर आपका पार्टनर केयर नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता और उस रिश्ते को ख़त्म भी नहीं कर रहा है, यानी कि हर 3 महीने पे 6 महीना पे कोई ना कोई बहाने से आप लोगों की इंटरफेरेंस हो रही है, बातें हो रही है, ना चाह कर भी आप दोनों अपने रिश्तों में कंफ्यूज हो कि आखिर वो चाहता क्या है, आखिर मेरे से वो चाहता क्या है कि ना ही वो रिश्ता ख़त्म कर रहा है। क्योंकि देखो, रिश्ता अगर ख़त्म कर देता है तो आपका एक जरिया ओपन हो जाएगा कि आप मूव ऑन कर सकते हो, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो। अगर वो रिश्ता अभी भी बना है तो आपको 2-4 काम जरूर करने हैं, जिससे कि आप अपने रिश्तों में मूव ऑन कर सकते हो, या आप चाहते हो कि वो रिश्ता हमेशा के लिए आपका हो जाए। तो ये टिप्स जरूर, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब ऐसा हो कि आपका पार्टनर आपको वैल्यू ना करे और आपको छोड़े भी ना, उस टाइम पे आप जाकर फाइनल डिसीजन लो, उसके पास जाओ, उसको बुलाओ और फेस टू फेस बात करो कि तुम चाहते क्या हो, आखिर ये रिश्ता आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, फुल एंड फाइनल बोलो। क्योंकि मैं फेड अप हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, उससे जाकर पूछो। क्योंकि देखो, रोज़ रोना धोना से तो बेहतर है परेशान होने से, कि दो टाइम में आप अपनी फीलिंग को फेस टू फेस शेयर कर सकते हो। अगर उसको रहना होगा तो उसको बोलो कि मेरे से शादी कर लो। कई बार ऐसा देखा गया है कि शादीशुदा भी पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अलग रहते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे से फेस टू फेस ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि हर रिश्तों में एक मौका जरूर दे, वो ऐसा मौका होता है या तो आप जीत सकते हो या तो हार सकते हो। अगर आप लोगों को रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है तो रोने धोने से बेहतर है कि आप लोग फेस टू फेस मिलकर फुल एंड फाइनल डिसीजन लेकर आप दोनों दूर हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। दूसरी बात ध्यान देना है कि आप जब भी ऐसी बात होती है रिश्तों में कि आप दोनों बहुत परेशान हो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपसे वो टाइम बिल्कुल नहीं देता, जब भी बात हो रही है आप दोनों की तो हमेशा लड़ाई झगड़े हो रही है और नंबर पे हमेशा ब्लैकलिस्ट डाल रहा है आपका। ब्लैकलिस्ट ज़्यादा करने से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील करते हो, आपको भी कंफ्यूजन होता है कि आखिर वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे टाइम नहीं दे पा रहा, क्या मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या हो गई उससे दिल लगाकर। बहुत सारे थॉट्स आपके मन में प्यार के लिए आएगा, ये जाहिर सी बात है कि आना आना ही आना है। उस टाइम पे आप क्या करो, एक बार जरूर कोई ना कोई बहाने से आप अपने दोस्त के जरिए भी आप उससे बोलो, आप उससे दोस्त के जरिए भी, फैमिली के जरिए भी, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक मौका ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप दोनों रह नहीं सकते तो उस रिश्ते को जितनी जल्दी हो सके नाम दे दो, समाज के बिना परवाह किए। क्योंकि समाज हमेशा, चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, समाज कभी खुश नहीं है, खुश आप लोगों को रहना। अगर आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग है और आप लोगों दोनों को लगता है कि आप दोनों खुश रह सकते हो तो बिल्कुल आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों टिल देन फिर मिलते हैं।